हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ लोकेश नागर एंड वेलकम टू स्टार्ट ग्रोइंग यूट्यूब चैनल। 4 तारीख करंट अफेयर देखते हैं कि 4 तारीख करंट अफेयर में क्या क्या है जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज 2018 किस किस को मिला है? फ्रांसिस एस ऑर्नोल्ड को, जॉर्ज पी स्मिथ को, सर ग्रेगरी पी विंटर को। इसमें जो फ्रांसिस एच ऑर्नोल्ड इसको मिला है एंजाइम्स के लिए है, और जॉर्ज पी और ग्रेगर पी को मिला है पेप्टाइड्स के लिए है। ठीक है, बात करें 2017 में किसको मिला था, 2017 में फ्रैंक को मिला था, रिचर्ड हैंसन को मिला था, जैक्स डोक्वेट को मिला था रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज 2017 में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एचआरडी मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? सबसे विश्वविद्यालय है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय हरियाणा। इस विद्यालय को सबसे स्वच्छतम सरकारी विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, और किसने किया है? केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ये अपन को पता होना चाहिए, मंत्री केंद्रीय मंत्री जो भी है सबके नाम पता होने चाहिए अपन को। तो केंद्रीय मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन, यूपीआई भुगतान में 33% से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ डिजिटल लेन देन में शीर्ष स्थान पर कौन है? सबको पता है पेटीएम ही सबसे ऊपर है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा चल रहा है। और बात करें यहाँ पर यूपीआई की, यूपीआई की फुल फॉर्म अपन को पता होनी चाहिए। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेटीएम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 11 अप्रैल 2016 को इसकी स्थापना की गई थी। अपन को पेटीएम का संस्थापक का भी नाम पता होना चाहिए जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, उसका नाम है विजय शंकर शर्मा। कौन है? विजय शंकर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बात करें अगले क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन, इराक के राष्ट्रपति कौन है? बहरम सालिल, जो भी नए राष्ट्रपति बने हैं फिलहाल अभी नई करंट अफेयर में, ये बहरम सलील। राजधानी है बगदाद और वहाँ की मुद्रा है ईरानी इराकी दिनार। पांचवा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलों से रिलेटेड है, तो खेलों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स में। क्वेश्चन क्या है, युवा ओलंपिक खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन है? मनुभाकर, काफ़ी फेमस है, कॉमनवेल्थ में काफ़ी नाम कमाया, एशियन गेम्स में भी काफ़ी नाम कमाया है इन्होंने, 16 साल की ही है, हरियाणा की रहने वाली है। और ये कहाँ पे होने वाले हैं युवा ओलंपिक खेल, कहाँ पे होने वाले हैं? 6 से 18 अक्टूबर के बीच में ब्यूनस आयर्स में होने वाले हैं, जो कि अर्जेंटीना की राजधानी है। और अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है? पेसो। अर्जेंटीना पेसो वहाँ की मुद्रा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कौन है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 46वें मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? रंजन गोगोई। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रंजन गोगोई कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं? 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो। सातवा क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सौर की पहली असेंबली का किया नई दिल्ली में किया है ना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। अब यहाँ पे दिल्ली की बात हुई है तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली, वहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल सभी जानते हैं, और वहाँ के जो गवर्नर है अनिल बैजल वहाँ के गवर्नर है। ये नाम आ सकता है क्योंकि जो भी इंडिया में आता है बाहर से तो उसका नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट संघ है संयुक्त राष्ट्र महासंघ, इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। आठवां क्वेश्चन है, किस बैंक ने डेबिट कार्ड पर दैनिक निकासी की सीमा 40,000 से घटाकर 20,000 कर दी? कौन सा बैंक है वो? एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1925 को स्थापना करी गई थी। मुख्यालय पता होना चाहिए, मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मुख्यालय भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मुख्यालय अध्यक्ष ये सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति है, को यूएनईपी चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने दिया? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है ये? अभी बताया मैंने कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है ये। ये जो अवार्ड है अर्थ पुरस्कार दिया जाता है, ये नेताओं को दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं अर्थ के लिए। दसवां क्वेश्चन कौन सा है, भारत तथा एशियाई बैंक यानी कि एडीबी बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य के लिए सुरक्षित पेयजल सेवा के लिए $240 मिलियन का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य के लिए किए हैं? पश्चिम बंगाल।
और पश्चिम बंगाल की बात है तो उनको वहाँ की कैपिटल पता होना चाहिए जो कि ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर पता होना चाहिए केसरीनाथ त्रिपाठी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इनको हर वीडियो में कवर करता हूँ जहाँ पे भी नाम आता है। वहाँ का जो फेमस त्यौहार है वो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल का, और वहाँ पे जो भी एक समारोह हुआ समारोह अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह पश्चिम बंगाल में हुआ है, का उद्घाटन कब हुआ था पश्चिम बंगाल में किया गया ही है। और पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला रखे जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, इसको रखा जाने का प्रस्ताव रखा गया है अभी फिलहाल। और यहाँ पे अभी एडीबी बैंक की भी बात हुई है, तो एडीबी बैंक की फुल फॉर्म क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। मुख्यालय है मनीला जो कि फिलीपींस की, क्या है पहले बताया था मैंने क्या है, कैपिटल है। और यहाँ के अध्यक्ष कौन है, टेको हेडो नकाओ यहाँ के अध्यक्ष हैं। 11th क्वेश्चन, 30वां अखिल भारतीय शतरंज टूर्नामेंट किस राज्य में शुरू हुआ, तमिलनाडु में शुरू हुआ है ये, ठीक है। अखिल भारतीय शतरंज टूर्नामेंट तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु की बात हुई तो अपन को वहाँ की कैपिटल पता होना चाहिए चेन्नई, वहाँ के सीएम पता होना चाहिए ए के पिलानी स्वामी, वहाँ का गवर्नर पता होना चाहिए बनवारी लाल पुरोहित। अब तमिलनाडु की बात हुई तो अपन वहाँ की बाकी चीज़ें पता होना चाहिए, वहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है, इसको किस नाम से भी जानते हैं बताओ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। और वहाँ पे भी नए न्यायाधीश बने हैं, उनका क्या नाम है, विजया कमलेश, तमिलनाडु के नए न्यायाधीश बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारत ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कितने पदक जीते, कितने पदक जीते वहाँ पे उन्होंने, तीन पदक जीते। और कहाँ पे हुआ ये विश्व कप तीरंदाजी का, कहाँ पे हुआ है ये, तुर्की में हुआ है ये, ठीक है। 13th क्वेश्चन, कौन सा देश महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2018 की मेजबानी करेगा, कौन करेगा ये, अपना इंडिया, भारत ही इसकी मेजबानी करेगा। और एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है कि एशिया वर्ल्ड कप हॉकी का कहाँ पे होने वाला है, ये भी भारत में होने वाला है, कहाँ पे, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में होने वाला है। तो ये थे 3 तारीख के करंट अफेयर्स, मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं जो 3 के 4 के 5 के 6 के और 7 के इन सारे करंट अफेयर्स को अभी 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूँ, ताकि मैं रोज का करंट अफेयर रोज ही देने लग जाऊँ, ताकि आप उस रोज के रोज ही उनको कवर कर पाओ। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वीडियो जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए और चैनल ग्रो कर पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।